Hi, this is Arvind Upil. Hi, my name is Alpana Booth and you guys are watching us on Cine Speaks. में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहली बात तो मैंने नोटिस किया कि ये जो शो है वो गुजराती शो है समवॉट, और आप लोग दोनों गुजराती बात करते हो, तो कितना ईजी रहा ये आपके लिए? नेचुरली एज एन एक्टर, आप जब आपकी मदर टंग गुजराती हो और आपको गुजराती बैकग्राउंड वाला शो मिल जाए तो वो ईजी ही रहेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तो हिंदी शो है क्योंकि नेशनल लेवल पर ये शो जाने वाला है, तो एक जो फ्लेयर रहती है, कोई वर्ड रहता है जो हम बहुत ईजीली पिकअप कर लेते हैं, याद करें. और अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रिप्ट में हम खुद सोचते हैं जब डायलॉग्स आ रहा है, इसमें मैं क्या डालूँ गुजराती जो लोगों को अपना लगेगा, सुनने और समझ भी आएगा, समझ भी जाएगा. तो ये जो एज एन एक्टर हमारी जो थॉट प्रोसेस जो बढ़ गई है वो उसे उसमें ही मज़ा आ रहा है. Right from Shah, घर जब दिखता है तो बाहर जो नाम लिखा हुआ है उसमें ही पता चल जाता है कि ये गुजराती है. और जैसे अंदर आप जाएंगे तो आपको माहौल भी गुजराती नज़र आएगा, आपको खाने की चीज़ें भी ना गुजराती नज़र आएगी. वैसे गुजरात के लोग खाने पीने में बड़े मज़ेदार. आप दोनों एक दूसरे से भी अभी गुजराती में बात करते हुए हमने देखा, तो आप दोनों का रैपो कैसा है, बाकी कोस्टार्स के साथ कैसा रैपो है? रैपो की बात करो तो गुजराती लोग ना एक तो बहुत स्वीट, दे आर लाइक शुगर. शुगर आप पानी में घोलो, आप शरबत में डालो, आप फेंटा में डालो, या खाने में भी डालो, आप कहीं भी डालो, वो चीज़ मीठी हो जाए. yes. तो हम इतना तो कह सकते हैं कि हम इतने मीठे लोग हैं जो कहीं भी घुल जाते हैं. इसलिए पुराने ज़माने में क्विनाइन देते थे तो भी शुगर कोटेड करके देते ताकि क्विनाइन के असर भी हो और वो पता भी न चले. तो वैसे भी गुजरात के लोग बड़े शांति प्रिय लोग, बहुत अच्छे लोग हैं. आप देखेंगे कि गुजरात में ज़्यादा दंगे फसाद नहीं होते, पहले भी नहीं हुआ करते, शांति प्रिय लोग हैं. आप दोनों के कैरेक्टर की बात करें तो आप दादा दादी के कैरेक्टर निभा रहे हो, और देखा जा रहा है, एक प्रोमो तो देखा हमने, देखा जा रहा है कि आप दोनों बहुत सपोर्टिव हो अपने बहू को लेकर, और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सपोर्टिव वर्ड कहा वो मेरे लिए लागू नहीं पड़ता, बिकॉज मैं ज़रा भी सपोर्टिव नहीं हूँ, मेरी सिर्फ बहू के लिए. हाँ, मेरे बेटे को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पोते पोतियों को बहुत प्यार करती हूँ, हस्बैंड से मेरी हमेशा नोकझोंक चलती रहती है छोटी छोटी बातों में, तो मैं सपोर्टिव नहीं हूँ. और फैमिली का ध्यान मैं भी रखती हूँ, वो बार बार क्या करती है किचन में, मैं जा कर देख लेती हूँ कि काम करिए ना कहाँ कर, मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो कुछ कर रही है, हालांकि वो कर रही है. और हमेशा जब मेरे हस्बैंड जो अनुपमा का साथ देते हैं तब मुझे गुस्सा आता है और थोड़ी सी नोकझोंक. अच्छा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. एक बात है इसमें, यानी इस लड़की में, लीला में नहीं, जो पात्र किरदार कर रही है उसमें, वो जितना सपोर्ट नहीं करती या करती है, आर्टिस्टों को सबको बहुत सपोर्ट है. हम लोग साथ में रहते हैं, बच्चों को इतना ये सपोर्ट करती है, कुछ गलत बोला या गलत किया या कुछ भी, तो एक्ट लाइक अ मदर. हमें यहाँ ऐसा ही लगता है कि हमारी फैमिली, ये शो हमारा है और बस लोगों तक पहुँचना चाहिए. और बहुत लोग इस शो की तारीफ कर. हमने प्रोमो देखा, प्रोमो हमें बहुत अच्छा लगा. आपको क्या क्या रिव्यूज मिले प्रोमो देखने के बाद? अरे बहुत बहुत, आई वॉज इन अहमदाबाद, इतने फ़ोन आए हैं, तरह मैंने नहीं देखा था. मैं दूसरे काम के लिए गया, तो इतने फ़ोन आए, आए आपका फोन में देखा, आपने कब देखा, क्या देखा? वी आर एक्साइटेड. हाँ, ये देखो, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं. प्रोमो बहुत अच्छा है. देन यहाँ आके देखा, हमें तो अच्छा लगे, वो बात अलग है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा, सब जगह से. और देखिए, जो अच्छा होता है ना वो ऑडियंस तक हमेशा पहुँचता है. और जहाँ तक इमोशंस की बात होती है, यहाँ लगता है वो हमेशा ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, और यही बात अनुपमा है. और आखिर में मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि हर एक धारावाहिक आखिर में आके स्टोरी कहीं ना कहीं सेम हो जाती है, तो ये धारावाहिक कैसे अलग है, ये हमारे दर्शकों को बोलिए, अलॉन्ग विद ए रीज़न. स्टोरी ऐसी स्टोरी नहीं होगी कि अभी होली की होली आ रही है तो चलो होली खेलना. इट इज़ वेरी डिफरेंट. हमारे घर में जो हो रहा है वही है, तो इसमें पहले तो कोई स्टोरी ही नहीं है. देयर इज नो स्टोरी, देयर इज लाइफ. और आज
आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस। इन दी एंड हमारे दर्शकों को ये शो देखने के लिए कहिए प्लीज। ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट भी से प्लीज 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 मंडे 16 मार्च से रात को 9 बजे ये शो देखिएगा। मंडे टू सैटरडे एवरी डे एट 9 o'clock प्लीज मीट अस। प्लीज डोंट मिस। थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर चैनल।